सत की बांदी बालक्ष्मी बिरा फेर मिलेगी। सजनों सुनने की बात है कि द्वापर युग में कौरव और पांडव के युद्ध हो भी युद्ध में पांडव जीत जावे। तो आजकल तो कोई जोर को काम करे जी देखो टेलीविजन में न्यूज आ जाए अखबार में आ जाए व्हाट्सएप चाल का मोबाइल चाल का पहली जन को काम को नहीं हो पहली कहीं काम तो जोर को काम होता ना कि घोड़ो छोड़ता अरे घोड़े के गले में एक पत्री का लिख देता कि वो घोड़ो जगा नगर में भी छतो छतो सुनो जाए लोग नगर की राजा के तीनों जाए लोग आखिर में पांडव भी असो नहीं क्या करे हो यज्ञ में एक घोड़ो छोड़े हो अब वो घोड़ो चढ़तो चढ़तो क्यों ना राजा मोर धज की नगरी चलो जा। तो देखिए मोर धज के कंवर हो फिर ना हो रतन कंवर वो भी घोड़ा ने पकड़ लिया बोले मेरे नगरी में मैं खोल जा बाजू। तो अर्जुन का सैनिक बोले तू बच्चो है पकड़े तो कोई बात को छोड़ दे नहीं मांगा राजा ने को नहीं कमा वो बोले बच्चों हूं तो गए आखिर में हूं तो क्षत्रिय पकड़ लियो सो पकड़ लियो। तो सजनो क्यों है बट अर्जुन वो रतन कंवर के बीच में घमासान युद्ध हो आखिर में अर्जुन हार के भाग्यो उनके दियो कृष्ण भगवान के बोले प्रभु आखिर में कारण क्या हुआ जब महाभारत में मेरे एक पांच साल तो अरे सामने ढेर बड़ों को नहीं हो कोई आज एक छोटो सो बच्चो मन और मेरी सेना ने प्रभु बहुत बुरी तरह हराई उस समय कृष्ण भगवान को हंसी आ गई। बोले और अर्जुन कोई भगत भूलो भगत रो नाम लियो अरे अर्जुन को और ज्यादा चिंत्राट लागो बोले भगवान ही दुनिया मासु बड़ो ही कोई भगत है था को मेरुपति को सेवा बंदगी करिए था की भगवान बोले हाँ अर्जुन तेरे सुमटो भगत है। अर्जुन बोले भगवान मेरे सुमटो भगत है मुझे बोले मानो मन चाल ही दिखाओ अरे वो आपकी प्यारी प्यारी चीज थका के मैं उठान दे दे जानू की भगवान बोले अर्जुन भगतान आप यहां नहीं देख सका आप साधु को रूप धारण करने पड़ सी। तो देखो दोनों साधु को रूप धारण करे हैं और राजा हो जिसकी नगरी में जाओ तो देखो कहीं बात नहीं समय श्री कृष्ण जी और ले लियो अर्जुन को संग भगत जलन के कारणे प्रभु ने पलट लिया सब। एक समय श्री कृष्ण जी ले लिया अर्जुन को संग अरे भगत छलने के कारण ही प्रभु ने पलट किया सब ढंग आप रो रूप डिजाइन के बदले में भगवान और राजा और धज के द्वारे जावे काई करे अरे भगत का ओ पल तो ले जी भगवान श्री कृष्ण करे अजीमा भक्त का पल तो ले भगवान श्री कृष्ण करे अजीमा भक्त का बल तोले जी भंगी वाणी भक्त का भगी बल तोले भंगी वाणी भक्त का अरे सत तोले भगवान कृष्ण करे भक्त का भगवान जी कृष्ण करे
क्यों तो बोले अर्जुन वाणी अर्जी सुन लो रे अंतरयामी ओ अर्जी सुन लो अंतरयामी तेरो वक्त बता मन नामी वेद दे आवे एक बारे तेरो वक्त बता के मन नामी वेद पे आवे एक बारे अर्जुन ऐसी वाणी अर्जी ते सुनो मारा अंतरयामी तेरे वो भगत बता मन नामी नी जद आवे ए द्वार यूं बोल उठे भगवंत अर्जुन तुम मर चालो संत नारे मैं मर चालो मंतापा चाला पक्के द्वार अब देखो भगवान ने यमराज को गम दिया कि जाओ और जाके बनी में तुम सिंह का रूप धारण कर लो अब देखो दोनों साधु बने हैं और राजा मोरधज के द्वारे जावे दोनों चल दिए नातिया प्रिय दुलाई नमा चल दिए आप नातिय दुलाई नमा अंग तो प्रभुति सिद्धि जटा में रमाई नमा अंग तो प्रभुति सिद्धि जटा तो महाराज बनी जा सिंह पनीता पनीता लाया महाराज बनीता लाया एक ही हो बनीता लाया राजा मोर धज के द्वार चाल कर I'm
महाराज बनी में जाए सिंह बनी कहलाया। अरे राजा मोर धज के द्वार चाल की आया। दरबानी करिए पुकार सुनो सरकार खड़े दो स्वामी जारे लारे करजे सिंह बनी का नामी। अरे सुनते ही राजन आए कर टूट के शीश निवाए संतु का दर्शन पाए राजा मुख से यूं फरमाए। राजा कहने लगो प्रभु कृपा करके रहो दो दिन प्रभु थान में राख बुला मेहमान। कृपा करके आप हमारे घर रहो आपने मेहमान कर राख। उन समय भगवान कृष्ण बोले राजन तेरी नगरी में 7 दिन हो गए हमको अन्न बिना डूले प्राण नीर बिन मरुम दिशा बैठ रहा बाप मान कोई रोटी पानी दे बोली नहीं धारी नगरी में। तो देखो राजा ने कहीं कहे भगवान कृष्ण बोले अरे बोले राजन से अब तारी राजा सुन ले बात हमारी भारी ने सारी बस्ती में फिर आया सबने तेरा ही नाम बताया मेरी भोजन बिना डिगती खाया सुन ले तू भूप ज्ञानी। अरे राजा मेरी भोजन बिना खाया डिगे। उस समय राजा मोर से बोलो प्रभु मारी नगरी में रोटी पानी भी कमी देखो ज्ञान का भूप जा तू कहे ए जी बोले भक्ति तेरे मोर दे जी राजा
सिंह हीरा ताजा। अरे प्रभु आप कहो तो आपने सिंह जो दूध मंगा दू, आटा मंगवा दो, दाल कम देव हमको, ये मेवा मिष्ठान चौका लगवा दू तुमको। भगवान कृष्ण बोले राजन, बोल उठे भगवंत राजन, ये सिंह मेरा भूखा और हमें दिला दे चाहे तो चून बलाई, मानवा को सुखो चून दे, मैं खुद ही और खालवा, लेकिन मेरा सिंह भूखा है। उस समय राजा बोले, बोले मोर राजा, अरे बकरा कटवा दू ताजा, अरे भैंसे रा बदन खिला जा और तेरा सिंह भी भूख मिटा जा। भगवान कृष्ण बोले राजन, आज ये पाड़ा बकरिया खामिया सिंह नहीं है। भगवान बोले, बोले राजा बोले तो, भगवान बोले राजन, बकरा नहीं खावे मेरा नार, तेरे पुत्र को मार, भक्त तेरा जल होगा कल्याण। आज तू तेरे पुत्र ने चीर के मेरे सिंह सामू गिरे, जद में तेरे भोजन करा। अर्जुन बोले वो बढ़ा पड़िया भी भगताई को बहुत मोटो हो। भगवान ने राजा बोले, प्रभु मेरे एक पुत्र है, वीरु नाम रतन कमर है, लेकिन वीर ऊपर मारी रानी को भी तो हक है, इन्हें भी कुछ तो जरूरी है। अर्जुन बोले अब पोती न छोड़ो, लुगाई कदे ही को नहीं कहा आपका बेटा ने बाहर नमाज पे हमारे भक्ति छोड़ा या है क्यों बताओ, वो लोग थोड़ा दिन लुगाई पढ़ाई कर सकती हो। देखिए राजा रानी के मेला जावे, रानी ने पूछना बात तो रानी तो पहली भगवान की भगत ही, राव विशल की जाई मधवा भी ना हो। राजा तो रानी के मेला जावे तो रानी राजा की शक्र उदास देखे, राजा देखो रानी नाई कहे, अरे राजा रानी ने पूछी रे बात, रामर रानी ने पूछी बात, चांद से मुकी रोपिया तेरो मुख मिलायो बात, अरे चांद से मुकी रोपिया तेरो मुख मिलायो मेला के दरमियान करता रानी से बयान है, रानी द्वारे ठाटा आया भगवान अंतर्यामी। रानी ने राजा साधु नहीं बताया, बोलो साक्षात भगवान आया है। रानी पूछे रे प्रभु आपने द्वारे भगवान आया तो मेरे मांगे सो दो। उन समय राजा बोले देख रानी आज भगवान आपने काई मांगे। उन समय देखो राजा रानी ने कहते काई कहे, पुत्र ने